मध्य प्रदेश सरकार जहां एक तरफ अपना बजट लाने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ हर वर्ग को बजट से उम्मीदें भी हैं और इसी क्रम में कॉलेज स्टूडेंट्स ने भी बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं सरकार के सामने रखी हैं। देखिए हमारे छिंदवाड़ा से संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार अपना बजट लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश का बजट 7 तारीख से शुरू होगा और 9 तारीख को जो है विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। अब जब प्रदेश सरकार अपना बजट लाने जा रही है तो हमने सबसे बात करी, महिला वर्ग से बात करी, कर्मचारियों से बात करी। अब लेकिन शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है प्रदेश सरकार से, मैं इनसे जानता हूं। प्रदेश सरकार अपना बजट लाने जा रही है, आप सब जो है सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? पहले तो मेरा नाम उर्वशी शुक्ला है और मैं फैशन डिजाइनिंग विभाग की छात्रा हूँ 6th सेमेस्टर से। और प्रदेश सरकार से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यहाँ में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चों को फीस की प्रॉब्लम होती है, उनकी स्कॉलरशिप लेट में आती है, तो और कुछ बच्चों को फीस भी थोड़ा कम किया जाए। जैसे कि देखा जा रहा है महंगाई भी बहुत हो रही है और फीस में अगर जो कमी आएगी तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको पढ़ाई करने का अच्छा मौका मिलेगा। ये कि FDDI इंस्टीट्यूट है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे अपना करियर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। आप बताइए क्या चाहते हैं आप सरकार से? सबसे पहले तो हम सरकार से चाहते हैं कि महंगाई कम होगी। कि मैं जैसे कि मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं रोज छिंदवाड़ा से आना जाना करता हूं तो पेट्रोल के दाम बहुत तेज हो गए हैं एवं स्कॉलरशिप लेट आती है। पॉकेट मनी पे असर पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा। आप बताइए क्या चाहते हैं? जी महंगाई तो कम होनी ही चाहिए क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, फीस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स अब फीस पे करने में काफी ज्यादा पीछे हट जाते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में भी मुझे कमी नजर आती है क्योंकि अगर फीस ज्यादा होगी तो बच्चे जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने से भी हिचकिचाएंगे क्योंकि हम उनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे कि आप पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल के दाम में हम लोगों को एक्सप्लोरेशन चाहिए, हमको बाहर घूमना पड़ेगा और उसी जगह पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो वो एक्सप्लोरेशन में कहीं ना कहीं कमी आएगी और उसके कारण हम भी हमारी सीख में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है और पॉकेट मनी में तो असर पड़ता ही है। आप बताइए एजुकेशन सेक्टर में क्या चाहते हैं, कुछ और डेवलपमेंट? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहली बात है मेरे को लगता है आरक्षण, क्योंकि जो मतलब मैं जनरल कास्ट से हूँ, ठीक है, अगर मेरे घर पे कुछ भी प्रॉब्लम्स है पैसों की तो सिर्फ OBC SC ST को ही स्कॉलरशिप मिलती है। हम लोग क्या करें, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से लेकर आए, हम छोड़ दे क्या पढ़ाई। और अगर मैं फैशन डिजाइनिंग विभाग से हूँ तो टेक्सटाइल अभी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ रहा है टेक्सटाइल का, और स्टेशनरी का भी दाम बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग कुछ मतलब मिनिमम चीज़ लेकर आ पाते हैं, हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों में। अगर हम लोग कुछ भी फैब्रिक लेकर आते हैं तो हम एकदम लिमिटेड लेकर आ पाते हैं, जिस महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो चीज़ कम होनी चाहिए। थैंक यू। स्कॉलरशिप की सुचारू व्यवस्था की जाए, महंगाई कम की जाए, इनकी पॉकेट मनी पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है, तो ये गुहार इन स्टूडेंट्स की प्रदेश सरकार से है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।